अच्छा पहले हाँ हाँ शुरू कर। मुझे बहुत पसंद आई ये फिल्म, मुझे सबका काम बहुत अच्छा लगा और द लव स्टोरी और जो जिस तरीके से उत्तराखंड फ्लड्स को जो बैकड्रॉप की तरह यूज़ किया है, आई थिंक जो पूरा ब्लेंड था वो बहुत ही शानदार था। आई थिंक प्रियंका यू विल आल्सो अग्री द लास्ट वन आवर ऑफ द फिल्म इज एक्सेप्शनल। मतलब ऑफ कोर्स बाकी का मतलब पहला भी बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, बट स्पेशली द लास्ट वन आवर इज वेयर द फिल्म गोज टू अनदर लेवल एंड आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। हम दोनों वही बात कर रहे थे कि हमने सारा जैसा डेब्यू नहीं देखा। मतलब फिल्म बनी ही किसी को लॉन्च करने के लिए, अगर किसी को किसी एक्टर को यू नो ऑन स्क्रीन आना है पहली बार ऑडियंस के सामने, इट हैज टू बी इन अ रोल लाइक दिस इन अ फिल्म लाइक दिस एंड व्हाट सॉलिड कंटेंट। आई मीन ऐसा नहीं कि बहुत ही माइंडलेस फिल्म है, बस गाने चल रहे हैं, लोकेशंस है, इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंटेंट एंड नो वन लाइक सारा जेन्युइनली। एंड यू नो कनिका रोड मन मर्ज़िया एंड इट शो दिस फिल्म आल्सो शोस इट हाउ स्ट्रॉन्ग अ राइटर शी इज, आई मीन एंड शी इज फैबुलस। With Amit Trivedi is always a superb combo. And what about direction of Abhishek Kapoor? Lovely, lovely. I think he's done justice to his and Kanika's writing and the way he has shot the, you know, two actors, their love story. And especially I think after Fitoor, his movie is Kedarnath. So what a comeback in that sense. He's found the director in him and what a subject and what a lovely direction. Yeah, and I think last 3-4 minutes to hair film they are worth a watch. Last 1 hour especially is why you should watch Kedarnath. It's incredibly short and wonderfully performed. I think all of us were numb, were teary eyed. And I cried. We cried. Comparisons karna is not fair, yaar. I mean, Dhadak was different. This is different. But I would say Sara is more confident. Yeah, sure. Sara is very confident. I'll give 5. Right. Nothing to complain. Thank you. Thank you. कैसी लगी मूवी? हाँ, एक सेकंड, जरा इधर आओ। कबीर भाई कैसी लगी मूवी? एक मिनट। मूवी के बारे में मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑसम मूवी, बहुत ही लवली मूवी और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले आधे घंटे का पूरा पूरा सीन। लगता है कि यह वाकई में केदारनाथ का जो तबाही मंजर हुआ था वो लोगों ने किस तरह सहन किया। डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन ऑसम, VFX ग्रेट VFX, तो लगना चाहिए कि यार कुछ देखने गए थे, केदारनाथ का एक मंजर दिखाए। सारा का डेब्यू, तो सारा का डेब्यू मत पूछो क्योंकि मैं सारा को नहीं, मैं अमृता सिंह को याद कर रहा था जब मैंने बेताब में उसको एक पहाड़ी लड़की, अमृता सिंह ने पहाड़ी लड़की का किरदार निभाया था बेताब में, इसमें भी एक पहाड़ी लड़की का किरदार है, ऑसम जाएगी आगे। स्टोरी में सबसे खास क्या था जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? सबसे ज़्यादा पसंद आया था तो एक तो फर्स्ट हाफ में इन्होंने एक अच्छी स्टोरी दी है और दूसरा चीज़ है कि वहाँ के लोकल जो लोग हैं पहाड़ी लोग, वो किस तरह से स्ट्रगल करके एक तीर्थ यात्रा करवाते हैं, चाहे इसमें हिंदू हो मुस्लिम हो डजंट मैटर, यहाँ पे मुस्लिम लोग काम करते थे बट उनका एक ही मकसद था कि तीर्थ को पहुँचाना ऊपर, तीर्थ यात्रियों को। और एक केदारनाथ जैसे कि पता नहीं मैं कभी जाऊंगा या कोई और जाएगा बट यहाँ बैठे हुए वो मंजर देख रहे हैं, वो पहाड़ी देख रहे हैं कि केदारनाथ किसको कहते हैं। मैं 4.5 से ऊपर मार्क दूंगा क्योंकि असम फिल्म में लगना चाहिए कि फिल्म में कुछ देखा है आपने। फिल्म तो बहुत अच्छी लगी हमें, जो पैसा वसूल वाली बात है ये तो देखने के बाद बड़ा खुश होकर बाहर आया। तो सारा डेब्यू तो कैसी लगी उनकी परफॉर्मेंस आपको? जारा का काम बहुत अच्छा लगा और एकदम परफेक्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस वो आ गई है, इनकी एंट्री हो गई है बॉलीवुड में और आगे भी अच्छा काम करेगी ऐसे लगा। स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी नेचुरली स्टोरी तो लव स्टोरी है। डायलॉग तो डायलॉग अभी कहाँ है? कितने स्टार डॉप है? मैं 4 स्टार दे रहा हूँ। ओके, फिल्म ठीक है, ज़्यादा तो अच्छी मुझे नहीं लगी क्योंकि कुछ सीनों को इन्होंने बहुत लंबा खींचा, जैसे लास्ट बार कट भी कर सकते थे, वो सीन्स काफ़ी खींचे हुए हैं
और मतलब जो रोमांटिक एरिया है जहाँ सारा और वो मिलते हैं सुशांत सिंह राजपूत, वो सब तो बहुत अच्छा लगा। और फिल्म को खींचने का मकसद भी हमको लगता है कि सारा अली खान अच्छे से खींचेंगे इस फिल्म को, क्योंकि उन्होंने कहीं ये शो नहीं होने दिया कि वो कला बड़े घर की कलाकार की लड़की हैं, या उनकी मदर अमृता सिंह इतनी अच्छी कलाकार थी, या उनके फादर इतने अच्छे, उन्होंने कोई नर्वसनेस नहीं दिखाई, बहुत अच्छे भरपूर इंजॉय करके फिल्म को किया है और बहुत अच्छा काम है उनका, और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अभिषेक कपूर के डायरेक्शन के बारे में क्या कुछ कहना? डायरेक्शन तो मुझे उनका पहले जैसे काइपोचर में था वैसे ही लगा, कोई खास नहीं लगा कुछ। जैसे बाढ़ के सीनों में देखिए, जब त्रासदी हुई थी केदारनाथ में तो बहुत कुछ हुआ था, केवल पानी दिखा देना बाढ़ का मकसद नहीं होता है, उसके सराउंडिंग को भी दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखाया उन्होंने, तो इसलिए मुझे। आफ्टर द ट्रेलर आप जितनी एक्साइटेड थी फिल्म के लिए, उतना कुछ देखने मिला आपको फिल्म को? नहीं, ऐसा नहीं लगा, मैं तो केवल ये देखने आई थी कि सारा अली खान कैसी लगती है, उनकी पहली फिल्म है, मैंने जाह्नवी की भी देखी थी पहली फिल्म, तो मुझे लगा कि दोनों अच्छे कलाकारों की बेटियाँ हैं, तो मैं देखूँ जाके कि क्या इन दोनों में रिजेम्बलेंस है, मगर मुझे लगा कि वो जाह्नवी से थोड़ा बेटर है। आउट ऑफ 5 कितने इसका? 2.5। थैंक यू सो मच। बेहतरीन उमदा, बहुत बढ़िया। देखिए, इस फिल्म के बारे में जब जब बात होती थी, केदारनाथ फिल्म है तो देखने की बहुत इच्छा मन में इस वजह से भी होती थी क्योंकि तीन महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें देखने को थी। पहला तो एक बहुत बड़ी तबाही जो भारत देश ने झेली है, केदारनाथ धाम ने झेला है, जिसमें 4,500 के लोग मर चुके हैं और 70,000 लोग मिसिंग हो गए थे। तो ये फिल्मी पर्दे पर किस तरीके से दिखाया जाएगा, इस चीज़ को देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। इसके अलावा सारा अली खान जो दो सेलिब्रिटियों की बेटी है, उनका डेब्यू है, तो उनकी एक्टिंग कैसी होगी, और सुशांत सिंह राजपूत किस तरीके से एक ऐसे मजदूर का काम मतलब अभी निभाएंगे जो अपने कंधे पर श्रद्धालुओं को उठाकर मंदिर के दर्शन करने के लिए जाता है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तीनों ही चीज़ें मुझे देखने को मिली है। बिल्कुल, ट्रेलर में जो कुछ दिखाया गया था, मुझे ऐसा लगता है कि हम उस ट्रेलर को देखने के बाद फिल्म कैसी होगी अगर हम इस पे रिजल्ट पे आए तो ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक किसी को इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ही हमने इंडियन फिल्म्स की बात करें, हमने फॉरेन में ही देखा होगा कि बाढ़ आती है, पहाड़ों के बीच से आती है, लोगों को उड़ा ले जा रही है, लोगों को बाहर ले जा रही है। इंडियन फिल्म्स में आज तक हमने ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिली हैं, तो केदारनाथ फिल्म के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ऊपर वाला अपना गुस्सा उठाता है, यानी जब प्रकृति बिगड़ती है तो छिछड़ा लेदर कैसे होता है, वो देखने को मिल रहा है। अभिषेक कपूर का डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट अदा करता है इस तरह के, उनका डायरेक्शन कैसा? देखिए, अभिषेक चौबे जो है वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, हमेशा से उनका फ़ैन रहा हूँ। केदारनाथ फिल्म देखने के बाद आज मैं उनका डबल फ़ैन हो गया हूँ, क्योंकि जब जब मैं महसूस कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी झरने के किनारे हूँ, मैं किसी नदी के किनारे हूँ, मैं हिमालय पर्वत पे खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जो बैकग्राउंड आवाज़ थी वो कानों को झुम्म से निकल जाया करती थी देख करके, और जो डर था, मतलब फिल्म में कई ऐसे भी सीन आए कि सीट छोड़कर हम आराम से बैठ गए, मतलब डर सा लग गया यार अब क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो रियलिटी एक्चुअल में है वो उन्होंने दिखाने में कोई कमी नहीं की, और सबसे जो खास बात है वो ये कि एक बहुत बड़ी तबाही तो उन्होंने दिखाई है, लेकिन इस तबाही के बीच एक छोटी सी लव स्टोरी किस तरीके से मचल रही थी वो भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। देखिए, जहाँ तक कंपेयर की बात है, दोनों अलग अलग फिल्में लेके आई थी। धड़क एक रीमेक थी, तो जिसमें जाह्नवी कपूर को हम इसलिए भी हल्के में ले रहे थे क्योंकि मराठी एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा ही पसंद थी, ठीक है। और जहाँ तक सारा की बात करें, केदारनाथ में वो आई हैं, और इसके पहले सारा इसलिए भी लोग उनको पसंद कर रहे हैं क्योंकि सिम्बा फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, आज सिम्बा फिल्म का गाना भी एक आया है आँख मारे, तो जो देखने वाले हैं ना उनको बहुत ज़्यादा देख करके बहुत ज़्यादा उनके बड़े फ़ैन हो गए। लेकिन वाकई में अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सारा अली ने सबका दिल जीत लिया है। मैं भी बहुत खुश हूँ उनसे, क्योंकि जब उनके डायलॉग डिलीवरी की बात होती थी तो बड़ा मज़ेदार आ रहा था, हमेशा वो हंसा रही थी, एक नक्षड़ी अभिनय उन्होंने निभाया है, हमेशा ही नाक पर उनके गुस्सा बैठा हुआ होता है, और किस तरीके से अपनी हद वो पार करती हैं, अपने घर से धर्म से बाहर निकल कर अपना प्यार पाने की कोशिश करती हैं, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि केदारनाथ फिल्म के बाद सारा अली खान स्टार बन चुकी हैं और आगे चल के सुपरस्टार भी बन जाएंगी। मैं 4 स्टार दूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिल्म बहुत अच्छी लगी है, मैं एक्सपेक्टेशन तो उतने ज़्यादा लेकर नहीं आया था, सारा अली खान का डेब्यू था वो देखने आया था,
तो फिल्म भी अच्छी लगी, सारा भी अच्छी लगी, सुशांत की एक्टिंग भी अच्छी लगी, डायलॉग्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। तो जो एक हल्की फुल्की अच्छी सी प्रेम कहानी कोई देखना चाहता है उसके लिए ये एक मज़ेदार कहानी है। प्रलय की घटना इसमें दिखाई गई है दूसरे हिस्से में, तो वो देखकर भी थोड़ा सा हम स्तब्ध हो जाते हैं, हमको लगता है कि ये सब मतलब कैसे हुआ था। वो सारी जो नहीं होने वाली, नहीं होना हम ऐसा चाहते हैं, वो देखकर हमें लगता है कि ये घटना वहाँ हुई थी, और शायद ये मनोरंजन करती है फिल्म कुल मिलाकर दोनों हिस्से अगर देखे जाए। बस मैं उसी बात पर जोर दे रहा हूँ, मैंने इस साल देखा जानवी कपूर का डेब्यू हुआ, सारा अली खान है, तो वहाँ जो जानवी में जो मासूमियत है वो बेबाकपन इनमें नज़र आता है, सारा अली खान में जो अमृता सिंह में था, बहुत अच्छी लगी हैं। उम्मीद है कि वो आगे भविष्य में बहुत अच्छा काम करेंगी, मेरी उनके साथ शुभकामनाएं, बहुत अच्छी लगी हैं। ये जो विषय था वो थोड़ा सा विवादों से भरपूर था, पहले आपने देखा भी था, लव जिहाद, केदारनाथ, प्रलय, प्रेम कहानी, इस चीज़ को जोड़ना जो है बड़ा मुश्किल काम था, अच्छे से किया है अभिषेक कपूर ने। जो दोनों की जुगलबंदी है, सुशांत सिंह सारा की जो डायलॉग एक दूसरे की डिलीवरी है, कहानी को जिस तरह से उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाया है, कुछ ज़्यादा दिखाने के लिए था कुछ नहीं, एक प्रलय की घटना थी और एक प्रेम कहानी थी, उसे उन्होंने रोमांचक बनाया है, तो निर्देशन की बात तो बनती है, अच्छा किया है। 5 में से 3.5 स्टार बनते हैं, कॉलेज के युवाओं के लिए फिल्म बनी है और ज़रूर देख सकते हैं। मेरे को चाहिए भी नहीं। अच्छी थी। सारा का डेब्यू, सुशांत क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारा मजा आ गया देख के, बहुत अच्छी लग रही सारा। उनका कोई डायलॉग जो आपको याद हो? डायलॉग पे ध्यान ही नहीं गया मेरा, उन पे ही ध्यान था पूरा। सुशांत का एक्टिंग अच्छा है। सुशांत के बारे में आप क्या कहना? सारा से बेटर एक्टिंग की, पर सारा का जैसे ओवरथ्रो हो रहा था उसका एक्टिंग, ऐसा लग रहा था जैसे वो साइड हीरो है और सारा ही मेन हीरो है ना। और आई थिंक सारा के डेब्यू के हिसाब से इट वाजंट दैट गुड, एंड सुशांत डिड अ रियली गुड जॉब। डायरेक्शन अच्छा था, जो एंड में उन लोग ने VFX यूज़ किया है, दैट इज़ वेरी गुड। It works really good for the film because it's towards the end and people leave the theater very happy that they like the movie. But the first half wasn't really good. The screenplay was very slow, very slow paced, and it felt like in the end they tried to cover it up. The movie was okay. Story कैसे थी? Story अच्छी थी, मतलब starting थोड़ा slow था, मतलब first half थोड़ा slow था, पर end थोड़ा मतलब interesting बनाया है उन्होंने, VFX का use किया अच्छा खासा, बाढ़ दिखाया वो भी बहुत अच्छा VFX यूज़ किया है, अच्छा है। स्टोरी देखने जाए तो पूरा स्टोरी ऐसा, पूरा केदारनाथ का स्टोरी नहीं दिखाया था, ये दोनों के अराउंड स्टोरी दिखाया था पूरा, और थोड़ा केदारनाथ और एक्सप्लोर करना चाहिए था ऐसा लग रहा है। म्यूज़िक कैसा रहा? म्यूज़िक अच्छा है, 2-3 गाने अच्छे हैं, थोड़े बहुत और थोड़े गाने चाहिए थे, मतलब अच्छे। बैकग्राउंड स्कोर इज़ वेरी वीक एंड गाने ठीक थे, ऐसा गाने ऐसा हिंदी मूवी टाइप्स गाने नहीं थे, एक हाथ गाना था, और इट वाज ओके, आई डिडंट रियली लाइक इट एज मच। 3-4 मुझे फिल्म अच्छी लगी। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा स्लो जा रही थी फिल्म, कहीं ना कहीं मतलब इंटरेस्ट इतना नहीं बन रहा था, लेकिन जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ फिल्म का, तो सेकेंड हाफ़ की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड हाफ़ बहुत इंटरेस्टिंग था, और साथ ही साथ जब किराना ट्रेजेडी सीन्स आने लगे सारी, जैसे पानी आना, ये बाढ़ वाड़ आना, तो कहीं ना कहीं गूज़बम्स आ रहे थे और हम फील कर पा रहे थे कि जो रियल में जब हुआ था तो कैसे लोगों ने सिचुएशन को हैंडल किया सारी चीज़ें, तो अच्छा लगा। मुझे सारा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई किया। सुशांत मुझे थोड़ा सा कम लगे सारा के मुकाबले, सुशांत और अच्छा कर सकते थे, जैसे हमने उनको लास्ट MS धोनी में देखा था तो कर सकते थे वो, लेकिन नहीं। स्टोरी लाइन की बात की जाए तो कैसी लगी स्टोरी? स्टोरी देखा जाए उनकी लव स्टोरी की अगर मैं बात करूँ सारा और सुशांत की, तो ये यूजुअली है, मतलब ऐसा कुछ नहीं नया लव स्टोरी नहीं, हमने कई बार देखी है फिल्मों में ये सारी चीज़ें, तो ये तो सिर्फ एक प्लॉट दिया गया था ये केदारनाथ ट्रेजेडी को ये दिखाने के लिए, बस एक प्लॉट था, तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। अभिषेक का डायरेक्शन कैसा? डायरेक्शन मुझे अच्छा लगा उनका। VFX की मैं बात करना चाहूँगी, VFX मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे फिल्म के अंदर।
म्यूजिक कैसा रहा? म्यूज़िक ओ गॉड, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, म्यूज़िक ले लीजिए, सॉन्ग्स अच्छे हैं फिल्म के अंदर, और म्यूज़िक ही कहीं ना कहीं आपको फ़ील करवाते हैं सारे सीन्स को, जितना आप देख के नहीं फील कर सकते उतना आप म्यूज़िक के थ्रू फील कर पा रहे थे सीन्स। कितने स्टार आउट ऑफ 5? आउट ऑफ 5 मैं 3 देना चाहूँगी फिल्म को। केदारनाथ मुझे अच्छी लगी, ऑनेस्टली जितना ट्रेलर देख के जब एक्सपेक्टेशंस जो थी उससे ज़्यादा पसंद आई मुझे, क्योंकि ट्रेलर में उतना नहीं दिखाया गया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी मुझे कि मैं एक्सपेक्ट करती कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रेजेडी के बारे में दिखाया जाएगा, लेकिन उनकी लव स्टोरी पर ज़्यादा फोकस था। बट ऑल इन ऑल फिल्म अच्छी लगी मुझे। सारा मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी। पहले स्टार्टिंग के कुछ 15-10 मिनट ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश बहुत कर रही है एक्टिंग करने की, लेकिन शायद हो नहीं पा रहा है, मतलब यू नो अपीलिंग नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं मुझे सारा अली खान बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यूजुअली मुश्किल होता है जब कोई डेब्यू कर रहा है तो सीरियस सीन्स जो हैं, जो रोने वाले इमोशनल सीन्स हैं, उसको अच्छे से पोर्ट्रे करना, लेकिन सारा ने काफ़ी प्रॉमिसिंगली वो किया है और कन्विंस भी किया है उन्होंने ऑडियंस को, यू नो, बिकॉज मैं इतनी जल्दी इमोशनल होती नहीं हूँ, लेकिन फिल्म देख के मुझे भी रोना आ गया, तो डेफिनेटली इम्पैक्टफुल थी उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा। अभिषेक का डायरेक्शन कैसा था? डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑनेस्टली डायरेक्शन ज़्यादा पसंद आया रादर देन स्क्रिप्ट और ये जो भी इनकी एक्टिंग चल रही थी। बिकॉज किस तरीके से, क्योंकि डायरेक्टर ये जो एग्जीक्यूशन प्रॉपरली करता है, यू नो, जो भी सोचा है उन्होंने उस तरीके से, उन्होंने उससे बेटर तरीके से उन्होंने स्क्रीन पर उस चीज़ को प्रेजेंट किया है। और कहीं ना कहीं जो बाढ़ की सीन्स दिखाए हैं वो एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वो 3D इम्पैक्ट आ रहा था उसको देख के, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हाँ एक्चुअली में ये हमारे सामने हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डायरेक्शन बहुत अच्छा किया उन्होंने। हालांकि ऐसा लगा कि केदारनाथ जब शुरू हुई तो वो स्टोरी का प्लॉट भूल गए और स्टोरी किसी और चीज़ की थी और डायरेक्शन कहीं और ही जा रहा था, लेकिन बाद में वो कोप अप हो गया। जाह्नवी और सारा को अगर कंपेयर किया जाए तो आई थिंक एनी विच इज़ दोनों की स्टोरीज अलग है, तो आई डोंट थिंक सो कि कंपैरिजन हो सकता है। बिकॉज जाह्नवी ने जिस फिल्म से डेब्यू किया है वो स्टोरी लव स्टोरी, टिपिकल लव स्टोरी है, वो बिल्कुल अलग है, ये भी बिल्कुल अलग स्टोरी है। लेकिन हाँ, सारा आई थिंक मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है, बिकॉज काफ़ी यू नो वो बिलीवेबल लग रही है स्क्रीन पर, कि हाँ वो जो परफॉर्मेंस दे रही है, वो जब रो रही है तो वो लग रहा है कि हाँ शी इज़ एक्चुअली फीलिंग दैट। तो सारा आई गेस आउट ऑफ 5 आई वुड गिव 3.5 स्टार्स।